अब हम लोग स्वर वर्ण, इसमें स्वर वर्ण का पढ़ लेते। अब व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, ठीक है? देखिए व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? व्यंजन वर्ण के तीन भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के तीन भेद होते हैं, इसमें है देखिए, पहला है, पहला स्पर्श व्यंजन, पहला है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ठीक है? अच्छा, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, ठीक है? दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है उष्म व्यंजन, तीसरा उष्म व्यंजन, ठीक है? तीसरा है उष्म व्यंजन। अब देखिए स्पर्श, अब स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से हवा, कंठ, तालू, मुर्दा, दांत, कोष्ठ का स्पर्श करके बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? उसे स्पर्श, स्पर्श मतलब जिसे छू कर होती है, जो हमारे मुख हो गया, ठीक है, जो मुंह का हवा हमसे क्या होता है, कंठ, तालू, मुर्दा आदि से स्पर्श करती हुई निकलती है, उसे क्या कहते हैं? उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या होती है इसे कवर्ग, कवर्ग में क, ख, ग, ग, अंग, फिर जाके चवर्ग, च, छ, इसकी क से म तक, क से म तक होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है स्पर्श व्यंजन का, ठीक है? जिसको अच्छा, अब देखिए अंतस्थ व्यंजन, अब अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे इसकी संख्या चार होती है, जैसे इसमें होता है य, र, ल और व, ये इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या चार होती है, ठीक है? अब देखिए उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? उष्म मतलब होता है जो गर्म हवा, ठीक है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराकर उष्मा पैदा करती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे उसमें जब हम कोई व्यंजन को बोलते हैं तो जब हमारे मुंह से वो निकलती है तो क्या होता है? उसमें उष्मा देते हैं, यानी गर्मी के साथ वो निकलती है। जैसे तलबे श, मुधनी श, दंत श और हा, ये उष्म व्यंजन का उदाहरण है, ठीक है? समझ गया स्पर्श? तो व्यंजन कितने भेद हो गए? व्यंजन के तीन भेद हो गए। कौन कौन हो गए? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, ठीक है? इस व्यंजन को बोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस व्यंजन को बोलने से जो उच्चारण करते हैं तो मुंह का जो कंठ, तालू, हवा से हम लोग ओटो से टकराते हुए ये निकलती है बाहर, ठीक है? अच्छा, अब ये अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ में जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में, जैसे य, र, ल, व, इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या चार होती है, ठीक है? इसकी संख्या चार है। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन जैसे होता है जब हम किसी व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, करते समय हवा मुंह से टकरा कर उष्मा के साथ बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन। जैसे तलबेश, मुदनिश, दंश और ह, ठीक है? ये हो गया। अब देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा अब हम लोग पढ़ते हैं अनुस्वार, जिसे हम पहले आपको बता चुके अयोगवाह, अयोगवाह अंग और अ होता है, अयोगवाह जो होता है, अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह होता है, इसे बताया था आपको हम, अंग और अ, अंग और अ, ठीक है, अंग और अ, इसमें होता है ना तो ये स्वर होता है और ना ही ये व्यंजन होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं, ठीक है? अयोगवाह का अर्थ है जो योग ना होने के साथ ही रहता है, ठीक है? अयोगवाह तीन होते हैं, अयोगवाह कितने होते हैं? तीन होते हैं। जैसे पहला होता है अनुस्वार, जैसे पहला क्या लिखते हैं? अयोगवाह तीन होते हैं, ठीक है? जैसे होता है अनुस्वार, अनुस्वार, ठीक है? अनुस्वार का मतलब क्या होता है? ये जो बिंदु होता है अनुस्वार, इसका चिन्ह है ये अनुस्वार का, ठीक है? अब देखिए अनुस्वार किसे कहते हैं? इसका उच्चारण करते समय क्या होता है? नाक से होता है। इसका उच्चारण करने समय क्या होता है? इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे जो नासिका होता है, जो नाक से द्वारा, और इसका ऊंचा आवाज होता है, जैसे संघ, जैसे में क्या लिखते हैं हम लोग? जैसे संघ, पंख, संघ, पंख, है ना? फिर क्या हो जाएगा? संसार,
जैसे क्या लिखते हैं हम लोग, संसा, ठीक है, अनुस्वार, समझ गए ना। इसका उच्चारण हमारा क्या, नासिका के द्वारा होता है, नाक के द्वारा होता है, जैसे संख पंख, और ये क्या हो जाएगा, ये संसार, ठीक है। दूसरा होता है अनुनासिक, दूसरा क्या हो जाएगा, अनुनासिक, अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक, ये अनुनासिक। इसका होता है, इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु, इसमें क्या बोलते हैं इसको, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, ठीक है, इसको चंद्र बिंदु कहते हैं। अब देखिए इसका, इसका ये क्या होता है अनुनासिक का, अनुनासिक हो जाएगा, देखिए जब जब अनुनासिक का उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है, इसका नाक और मुंह दोनों से होता है। जैसे इसमें होता है, जैसे पांच, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे पांच, ठीक है, कांच, ये क्या हो जाएगा, ये कांच, ठीक है, ये अनुनासिक हो गया, यानी चंद्र बिंदु, ठीक है। और तीसरा होता है आपका विसर्ग, तीसरा क्या हो जाएगा, विसर्ग, तीसरा हो जाएगा विसर्ग, तीसरा क्या हो जाएगा, ये विसर्ग हो जाएगा, ठीक है, विसर्ग। अब देखिए विसर्ग का साइन होता है, ये विसर्ग का चिन्ह है, ये क्या हो जाएगा, ये विसर्ग का चिन्ह है। देखिए विसर्ग, इसका उच्चारण करते समय ह की तरह इसका उच्चारण होता है, ह, जैसे जैसे होता है प्रातः, क्या बोलते हैं इसको, प्रातः, जैसे क्या हो जाएगा, प्रातः, अतः, ये क्या हो जाएगा, अतः, ये समझ गए ना। अनुस्वार का उच्चारण करते समय क्या होता है, हमारा नाक से के द्वारा होता है, नाक से, ठीक है, जैसे संघ पंख संसार। अनुनासिक का क्या होता है, इसका उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों से उसका होता है, जैसे पांच कांच। विसर्ग का क्या होता है, जैसे इसका उच्चारण ह, ये विसर्ग का चिन्ह है, जैसे बोलते हैं ना प्रातः अतः, ये होता है इसका, ठीक है। ये अयोगवाक के तीन भेद हो जाते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग समझ गए ना, ये अयोगवाक, अच्छा अब देखिए समझ गए, अनुस्वार का, अनुस्वार में जैसे संघ हो गया, पंख हो गया, और ये संसार, ये इसका अनुस्वार। और अनुनासिक में क्या हो गया, इसको चंद्र बिंदु कहते हैं, जैसे पांच, जैसे क्या हो जाएगा, ये पांच कांच, ठीक है। विसर्ग में क्या हो गया, ह, इसका उच्चारण करते समय ह का प्रयोग हो जाता है, जैसे प्रातः अतः, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन, हम लोग क्या पढ़ते हैं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, देखिए संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना, समझ गए, संयुक्त व्यंजन, जिसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं, दो भिन्न व्यंजनों के मिलने से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, दो भिन्न व्यंजन मिलने से क्या बनते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए संयुक्त व्यंजन होता है, जैसे छ, ठीक है। अब देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों, दो भिन्न व्यंजनों, दो अलग अलग व्यंजन मिलकर क्या बनता है, ये संयुक्त व्यंजन बनता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग, जैसे हम लोग करते हैं छ, तो क्या हो जाएगा, इसका होता है क जोड़ श, ये छ, ठीक है। त्र, त जोड़ र, ज्ञ, जो जोड़ य, ये ठीक है, य। स्र का क्या हो जाएगा, श जोड़ र। अगर इसको, ये इसको हमें याद करना पड़ेगा संयुक्त व्यंजन का, क्योंकि इसमें दो भिन्न भिन्न व्यंजन मिलकर बना है, जैसे छ का क्या हो जाएगा, क हलन मुधन्नी श, ठीक है, इसमें अ भी लगा सकते हैं हम, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा त्रो में क्या हो जाएगा, त जोड़ र, इसमें सटना चाहिए, जो हलन होता है इसमें सटना चाहिए, ठीक है। त्र, ज्ञ का क्या हो जाएगा, ज जोड़ य, स्र का स जोड़ र, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसमें स्र,
इसमें हम लोग बनाते हैं छ, छ से क्या हो जाएगा कक्षा, क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हम लोग सब्जी बना सकते हैं कक्षा। त्र से त्रिशूल, त्र से क्या हो जाएगा त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। इसको याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब अगर वर्ण भी छेद करते हो तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है ये सब। जैसे छत ज्ञ, ज्ञ में क्या हो जाएगा जो जड़ियो, अब ज्ञ से क्या हो जाएगा ज्ञान, क्या हो जाएगा ये ज्ञान विज्ञान, ठीक है। स्र, स्र से क्या हो जाएगा श्रम, स्र से क्या हो जाएगा इसमें, इसमें श्रम हो जाएगा श्रमिक, है ना, ये श्रमिक, ठीक है। ये देखिए तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जो जो दो भिन्न व्यंजनों को मिलकर जो बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे उसे संयुक्त व्यंजन। अलग अलग होता है इसका, भिन्न मतलब अलग अलग होना, ठीक है। जैसे क जोड़ सो कक्षा हो गया, त्र से त्रिशूल हो गया, इसको हम लोग, इसको हम लोग को याद करना बहुत जरूरी है। जैसे क जोड़ मूर्धन्य ष, क्या हो जाएगा छ, है ना, त्र का त जोड़ र, इसमें हलंत होना चाहिए ना, त्र, ठीक है। अच्छा ज्ञ का ज जोड़ ज्ञ, ज्ञ या स्र का स जोड़ र। अब इसमें से अगर शब्द बनाना है तो मैं क्या बनाएंगे, जैसे इसमें जैसे मान लीजिए छ है तो क्या हो जाएगा कक्षा, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञान ज्ञानी, स्र से श्रमिक श्रम, ठीक है। ये हो गया संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें और इस, ये समझ गए तो आप लोग, अब देखिए अब उसके बाद हम आप लोग को बताते हैं द्वित्व व्यंजन, ठीक है। ये समझ गए ना आप लोग, इसमें से आप दो दो शब्द तीन तीन शब्द आप इसमें से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसमें से मैं पढ़ा रहा हूँ द्वित्व व्यंजन, ठीक है। अब हम इसमें से पढ़ाते हैं द्वित्व व्यंजन, ठीक है, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, ठीक है। ये हो गया द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, ठीक है। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, देखिए द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, दो समान व्यंजनों के मिलने से द्वित्व व्यंजन कहलाता है, दो समान व्यंजनों के मिलने से क्या कहलाता है, द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे द्वित्व व्यंजन दो समान व्यंजन होता है, क जोड़ क, क में हलन, क जोड़ क, इसमें क्या करते हैं हम लोग आधा क संयुक्त क, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो हलंत जो, क्या जाएगा जो संयुक्त जो, ठीक है। अब इसमें से ये क्या है द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, जो दो समान व्यंजन मिलके जो बनता है उसे क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं, समझ गए, द्वित्व व्यंजन। जैसे क हलंत और क, ये क में संयुक्त क, क क। अब इसमें से आप अगर हम शब्द बनाते हैं तो क्या लिखते हैं इसका, जैसे आधा क क, ठीक है, जो मान लीजिए आधा जो को इसमें हलंत लगा दे तो क्या हो जाएगा, ये जो संयुक्त जो, ठीक है। जैसे पक्का क आधा क, क में आकर का, पक्का, ठीक है। और इसमें आधा जो है ना तो क्या हो जाएगा जो जो, जैसे क्या हो जाएगा छज्जा, जैसे क्या हो जाएगा इसका छ आधा जो, जो में आकर जा छज्जा, ठीक है। इस तरह से जैसे आधा, जैसे चो, चो हलन और ये चो, तो क्या हो जाएगा ये चो चो, तो क्या हो जाएगा चो संयुक्त चो, क्या हो जाएगा बच्चा, वो आधा चो चो में आकर चा बच्चा। याद रखिए जो संयुक्त व्यंजन होता है उसका, जो संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, जो उसमें दो भिन्न व्यंजन होते हैं, उसमें दो भिन्न व्यंजन होते हैं, समझ गए। जैसे दो भिन्न व्यंजन, अभी से बताया छ त्रज्ञों, और जैसे मान लीजिए प य, है ना, जैसे प्यास, ये क्या हो जाएगा, ये संयुक्त व्यंजन में आ जाता है। और जैसे द्वित्व व्यंजन में क्या हो जाएगा, द्वित्व व्यंजन में जिस जो जो दो समान व्यंजनों के साथ मिलकर बना होता है, ये देखिए दोनों क्या है समान व्यंजन है, समझ गए, ये दोनों समान व्यंजन है, ठीक है। जैसे जैसे व्यंजन आप जानते हैं क ख जो भी हो क्या है, सभी व्यंजन में आते हैं, और को आ हो गया वो सब क्या आते हैं, सभी स्वर में आते हैं, ठीक है। ये सब हो गया जैसे द्वित्व व्यंजन में, ठीक है। जैसे पक्का, छज्जा और इसके बाद बच्चा, अब इससे आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ये संयुक्त व्यंजन है। क्यों संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये दो समान क्या व्यंजन क्या है, दो एक तरह का व्यंजन है, ठीक है। दो समान व्यंजनों के मिलने से क्या बनता है, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं,
दो भिन्न व्यंजन, दो जो अलग अलग व्यंजन मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, अब जैसे मान लीजिए संयुक्त व्यंजन में आता पोयो, ठीक है, जैसे आप लिखते हैं ना, जैसे ये संयुक्त व्यंजन का है, ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन का भी है, जैसे पोयो क्या हो जाएगा, आधा पोयो, इसका क्या हो जाएगा, प्यास, क्या हो जाएगा इसका, प्यास। ये दोनों में अंतर है संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, समझ गए ना, ये द्वित व्यंजन हो गया। अच्छा अब हम लोग पढ़ते हैं वर्ण विच्छेद, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, वर्ण विच्छेद, ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद, ये वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद। अच्छा वर्ण विच्छेद, देखिए वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, देखिए वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, जब किसी शब्द में प्रयुक्त स्वर और व्यंजनों को अलग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, जब किसी शब्द में प्रयुक्त स्वर और व्यंजनों को अलग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। देखिए वर्ण विच्छेद को सबसे पहले हम लोग मात्रा जो होता है वो कर लिखते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे आ की मात्रा, हर्षय की मात्रा, दीर्घ की मात्रा, ठीक है, इसी तरह से जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम लोग मात्रा में लिखते हैं, जैसे मेला, जैसे मेला, तो मेला को हम लोग कैसे बनाएंगे इसमें, जैसे मेला का मैं यहाँ बता रहा हूँ, जैसे मेला में म जोड़ ए की मात्रा, म जोड़ ए, है ना, फिर ल जोड़ आ, ये क्या हो जाएगा, मेला, म में ए की मात्रा, इसमें ना आ और में कुछ नहीं होता है, और का आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घ ये री ए है, ठीक है। अब देखिए इसका मात्रा क्या हो जाएगा, हर्षौ की मात्रा, ये दीर्घ की मात्रा, इसमें री की मात्रा, और ये क्या हो जाएगा, ए की मात्रा, ये हो जाएगा ए की मात्रा, ठीक है। अब देखिए जैसे मेला, मो मो में ए की मात्रा, ए आया ना, पर मो में ए की मात्रा, ए ए आई है इसका, लो में आ की मात्रा, लो में आ की मात्रा, ये मात्रा आपको जरूर से याद करना पड़ेगा, तभी आप वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, समझ गए, तभी आप क्या कर सकते हैं, वर्ण विच्छेद बना सकते हैं। अब जैसे देखिए जैसे जैसे किसान, जैसे जैसे किला, किला किला को कैसे लिखेंगे हम लोग, क जोड़ ई, क जोड़ ई की मात्रा, है ना, क जोड़ ई की मात्रा, ई ल जोड़ आ, ल जोड़ आ, यो गया किला। और इसमें जो व्यंजन है, व्यंजन में क्या देते हैं हम लोग, हलंत देते हैं, व्यंजन में क्या करते हैं हम लोग, हलंत देते हैं, स्वर में देते हैं, व्यंजन में हम लोग हलंत देते हैं, समझ गए, किला, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसमें गृह है, जैसे क्या है, गृह, क्या हो गया इसमें, गृह, गृह में क्या लिखेंगे, जैसे ग जोड़ री की मात्रा, ग जोड़ री, है ना, री की मात्रा, ह जोड़ अ, ह जोड़ अ, ये क्या हो जाएगा, गृह, क्या हो जाएगा, ये गृह हो जाएगा, समझ गए, गृह, इसमें हलन दे देंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग, हलन दे देंगे इसमें, गृह, ठीक है। अब जिस समझ गए, हम लोग को सबसे पहले इसका मात्रा याद करना पड़ेगा, मात्रा के हिसाब से ही हम बनाते हैं। जैसे अब देखिए जैसे इसमें हम लोग बना रहे थे क्या, जैसे जैसे श्रमिक, इसमें श्रमिक, अब हम लोग वही संयुक्त व्यंजन को याद करेंगे, स्र, स्र का क्या होता है, श जोड़ र, क्या हो जाएगा, स जोड़ र, स्र जोड़ अ, जोड़ अ, फिर क्या हो जाएगा, म जोड़ हर्षई की मात्रा, ये हर्षई की मात्रा होगी, देखिए हर्षई की मात्रा ये आई, हर्षई, ई जोड़ क जोड़ अ, श्रमिक, है ना, ये देखिए श्रमिक, श्रमिक, ठीक है। कैसे हो जाएगा श्रमिक, ये स्र का हम लोग पढ़ाए थे ना आप लोगों को पहले, अभी जैसे संयुक्त व्यंजन में स्र, स्र क्या हो जाएगा, स जोड़ र जोड़ अ जोड़ अ जोड़ म जोड़ हर्षी की, मतलब म में हर्षी का ई जोड़ क जोड़ अ, ये हो जाएगा श्रमिक, ये क्या हो जाएगा, वर्ण विच्छेद, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसमें हम आप लोग पढ़ाते जैसे कर्म, इसमें कर्म कैसे पढ़िएगा, कर्म, ठीक है, इसमें कर्म, इसमें हम लोग कर्म, सबसे पहले ये कर्म लिखा हो, क्या पढ़ते हैं हम इसको, कर्म, ठीक है, इसको कर्म पढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग यह कर्म,
करम, इसको पढ़ते हैं क्या हम लोग करम, ये देखिए ये हम लोग पढ़ते हैं इसको करम, तो क्या लिखेंगे क जोड़ अ, क जोड़ अ, और म में म के ऊपर क्या है रेफ है ना, तो क्या लिखेंगे इसको क र म, तो क्या जाएगा र जोड़ म, क्योंकि इसका इसे सड़ा होना इससे इसके ऊपर रेफ है तो र क र म, ये म के ऊपर क्या है र है, क जोड़ अ र जोड़ म जोड़ अ करम है ना, ये क्या हो जाएगा ये करम, ठीक है ये क्रम हो गया, ठीक है इसी तरह से कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो वर्ण हम लोग क्या करते हैं, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, फिर से बता दो, जब किसी शब्द में प्रयुक्त स्वर और व्यंजनों को अलग किया जाता है, स्वर और व्यंजनों को अलग करते हैं, हम लोग देखते हैं ये स्वर हो गया, इसमें ये जो भी हो गया स्वर और व्यंजनों को क्या करते हैं हम लोग अलग अलग कर देते हैं, समझ गए ना, ये व्यंजन हो गया ये स्वर हो गया अलग अलग करने को ही क्या कहते हैं हम लोग वर्ण विच्छेद कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। एक मिनट आप लोग ये समझे ना, इसको आप लोग सबसे पहले अच्छे से जो हम पढ़ाए हैं आपको जो बुक के जो ये भेजे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, और पढ़ने के बाद जो भी है उसको जो अच्छे से ध्यान से पढ़िए, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए समझिए, अगर है ना, नाउ यू हैव टू राइट द आंसर क्वेश्चन ओके एंड ना फिल अप फिलिंग द ब्लैंक्स यू राइट इन कॉपी ओके एंड इफ देयर इज एनी डिफिकल्ट यू कैन आस्क मी ओके एंड लर्न एंड राइट ओके धन्यवाद।